राम राम जी, क्या हाल है सभी के? तो भाई सभी भाई अच्छे होंगे, और भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि जब तक हम हैं तब तक क्या कम है दोस्तों, आपको ऐसे ही अवेयर करते रहेंगे। और दोस्तों अभी अभी मैं सो के उठा हूँ, सुबह के 6 बज रहे हैं, ठीक है। और अभी मैंने छत पे जाके देखा, बस वीडियो बनाने से पहले देखा था कि यहाँ पे पतंगबाजी हो रही है, नहीं हो रही है, मुश्किल से 2 पतंग उड़ रही, बस 2 ही। तो भाई मेरा दिमाग घूमगा, दिमाग घूम गया, यूँ कह रहा दिमाग होगा ये निकाल, और होगा तो चुट्टर फाड़ दे सबके। वाह, बस 2 मिनट का वेट दे, तो बस अभी नहा के धो के फिर एकदम एक्टिव सा होकर फिर आराम है, वीडियो लेकर थारे सामने होगा, एक देखेंगे कितना जोर है इस होगा में, क्योंकि लोगों के फीडबैक तो बड़े ज़बरदस्त आ रहे भाई। बल्कि मैंने अब तक यूज़ नहीं करा, अब मैं यूज़ करूँगा तो मैं आपको बता पाऊंगा कि हाँ भाई लोग सही कह रहे थे या नहीं कह रहे थे, ठीक है ना। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले वो मैं आपको लास्ट में जाके बताऊंगा, तो बस मुझे 2 मिनट का वेट दो, अभी आ रहा हूँ। ओके तो दोस्तों हो गए तैयार भाई पतंगबाजी करने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ होकाए, जिसका आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, और साथ में काइट फ्लाइंग भी, ठीक है। आज इसका अनबॉक्सिंग भी होगा आपके सामने, और इसका टेस्टिंग भी होगा। जब तक मैं दोस्तों अपनी टेस्टिंग चेक नहीं कर लेता तब तक तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मान जब मेरी डिमांड के हिसाब से काम हुआ है तो मुझे इस पर पूरा भरोसा है, और बोल्ड आउट पर भी मेरी डिमांड पर काम हुआ था तो उस पर भी मुझे पूरा पूरा भरोसा था। अभी मैं इसको दिखाता हूँ अनबॉक्सिंग करके, और फिर इसको टेस्टिंग करके दिखाएंगे आपको। चलिए मेरे साथ, अभी मजा आएगा। तो दोस्तों ये वाली मैं काइट यूज़ करने वाला हूँ, पोना, ठीक है ना, इसको पोना साइज़ बोलते हैं, ठीक है। ये 22x24 की होती है, ये बहुत ही ज़बरदस्त काइट है दोस्तों, टूर्नामेंट वाली मैदानी जिसे बोल देते हैं। और ये दोस्तों गोल फर्मे में पतंग आती है, ठीक है, लंबे पैंचों के लिए, ढील के लिए बहुत ही ज़बरदस्त लड़ती है ये वाली पतंग है। तो आज हम होकाए को इसी से टेस्ट करने वाले हैं, देखते हैं कितना ऑसम रिजल्ट रहता है इसका इस वाली पतंग के साथ में, ठीक है। चलो भाइयों, आज तो होकाए से मचाएंगे तबाही, और फाड़ देंगे सबके चूतड़ों की परछाई। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल भाई से कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये मतलब। तो भाइयों सबसे पहले इसका भाई अनबॉक्सिंग करता हूँ आपके सामने, ठीक है, और फिर देखते हैं जो मांजा है वो कहाँ पे निकलता है, ठीक है। ये देखिए भाई उसका अनबॉक्सिंग हो रहा है, रहो अनबॉक्सिंग भैया, हमारे भैया, प्यारे भैया। तो आप ये सोच रहे होगे कि भाई आपने पूरे का पूरा पैकिंग क्यों निकाल दिया, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है भाई, इसलिए मैंने पूरा निकाल दिया, ठीक है ना। जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो हाफ पैकिंग निकाले और अपना मांजा वहाँ से ही लपेटना स्टार्ट कर दे, नहीं तो आप इसको सारे को उलझा लोगे। और ऊपर तक भरा हुआ है छकाछक, ये देखिए दोस्तों ऊपर तक भरा हुआ है, पूरा 7000 मीटर डोर आता है इसके अंदर। ये देखिए दोस्तों होकाए का इस पन्ने को फेंकते साइड में, कहाँ पे है इसका मांजे का जोरदार चिट, ये देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा होकाए। सबसे पहले तो इसको निकालना पड़ेगा, इसकी चिट को निकालना पड़ेगा, कहाँ से निकलेगी देखते भाई। आई थिंक दोस्तों ये चीज़ निकलती है इसकी, निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा, अरे मका निकल जा, हाँ निकल गया निकल गया निकल गया, ये निकल चुका है यहाँ से। ये देखिए ये एक पट्टी आती है ब्लैक कलर की, ठीक है, इस पर लिखा हुआ है होकाए स्टनिंग स्ट्रिंग, और यहाँ पे वो ब्लैक, और यहाँ पे वो डेविल सा जो इसका मुखौटा है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त है भाई। स्ट्राइक प्रोडक्शन, स्ट्राइकर कंपनी का ही ब्रांड है, ठीक है, कितना अच्छा है भाई। इसको अपने हाथ पे लपेट लो, इसे सुंदर लगेगा, ऐसे लपेट लो अपने हाथ पे, साइड में रखते हैं इसको। अब बात आती है दोस्तों इस वाले ब्रांड के मांजे का जो सिरा निकलेगा वो कहाँ पे निकलेगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात तो यही है, अभी यार मैं भी ढूंढ ही रहा हूँ उसको, ठीक है ना, कहाँ पे है कहाँ पे है कहाँ पे है कहाँ पे है भाई। अरे येरा 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 भाई, येरा मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया अरे, और हमने पीता, खोल दिया, खोल दे खोल दे, और ये मरा वो मरा भाई साहब निकाल दिया भाई निकाल दिया। और जो ये चिट है दोस्तों इस पे लिखा हुआ है ओरिजिनल स्ट्राइकर, ये जो एक लंबी कलर की यहाँ पट्टी आती है, ठीक है, इसको इसको भी निकाल देते हैं, ये निकाल दिया हमने, और इसको भी निकाल देते हैं, ये यहाँ से निकल जाएगा, ये निकाल दिया दोस्तों, ठीक है। स्ट्राइकर कंपनी का एक स्टिकर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको भी निकाल दो, बड़े प्यार से निकालना है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी पैकिंग होती है, बहुत ही ज़बरदस्त ये अपने लेवल तैयार करते हैं। अब मांजे का क्वालिटी चेक करते हैं दोस्तों, वाकई में भाई एक नंबर, वो तेरी भाई साहब कितना बारीक मांजा है यार, ये 0.26 mm में बनता है ये मांजा, समझ में आ गई ना बात, 0.26 mm में। और जैसे मैं मांजे पे हाथ लगा रहा हूँ ना, तो भाई मांजे पे धार मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रही है। अभी मैं इसकी ऊपर की धार चेक कर लेता हूँ कैसी है, ठीक है। ओह माय गॉड, ऊपर की धार बिल्कुल एकदम कंच है भाई, जैसे कहाँ पे हाथ फेर रहे हो, नीचे की जो धार है वो चिकनी है, और दोस्तों उसमें हल्का सा करारापन भी लग रहा है,
तो अब दोस्तों इसकी टेस्टिंग के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि ये कितना काम करता है कितना काम नहीं करता, क्योंकि इसके जो फीडबैक निकल के आए हैं बहुत ही खतरनाक निकल के आए हैं। चलिए दोस्तों एक बार इसका कलर भी देख लेते हैं, कलर इशू तो नहीं हो रहा है? जी नहीं, कलर इशू नहीं है और कोई भी इसमें बल नहीं लग रहा है, जैसे वाइट वाइट पड़ जाता है ना थ्रेड, ऐसा कोई भी इसमें वाइट वाइट नहीं पड़ रहा है कहीं से भी। ये देख लीजिए, आपको दिख रहा है? ठीक है, मैंने इसको दोबारा से दिखा देना आपको, ये देखिए कोई भी कलर इशू नहीं हो रहा है और ये देखिए वाइट वाइट कहीं से भी नहीं आ रहा निकल के, समझ गए? तो कितना जबरदस्त काम किया है कंपनी ने भाई। चलिए अब इसका टेस्टिंग दिखाते हैं, पतंग मेरी तैयार है और आपको दिखाते हैं कितनी पतंग काटते हैं कटवाते हैं, जो भी होगा आपके सामने होगा जेन्युइन होगा। ठीक है दोस्तों, इस वाले मांझे की कम से कम 400 से 500 मीटर थ्रेडिंग होता है, ठीक है ना, इसको मैं 400 से 500 मीटर इस वाले मांझे पे इस वाले चक्की पे रेपेट लेता हूं और फिर इसका टेस्ट रिजल्ट करते हैं कैसा है कैसा नहीं, ठीक है ना। दोस्तों अभी तक ये ऊपर तक भरा हुआ है, 500 मीटर 600 मीटर मांझा मैंने इसमें निकाला और अभी तक ऊपर तक भरा हुआ है। देखिए देखिए दोस्तों कितना पूरा ऊपर तक ये फुल करके देते हैं मांझे को, ठीक है ना। अभी दोस्तों इसकी टेस्टिंग देखते हैं कैसी होती है कैसी नहीं, क्योंकि फीडबैक तो अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। चलो भाई दोस्तों अभी देखिए एक पतंग बदल रही है, पीछे से आ रही है, ठीक है ना। तो इसके साथ में पैंच करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट है क्या नहीं है। एक ही पतंग है, आगे की तरफ भी पतंग मुझे थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे एक पतंग है मेरे सिर के ऊपर, इसके साथ में पैंच करते दिखाते हैं आपको। दोस्तों इतना एक्साइटेड हूँ ना आज मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना एक्साइटेड हूँ। इस दिन का मैंने इतना इंतजार किया भाई, रोज छत पे जाता था देखता था कि भाई कोई पतंग उड़ा रहा है नहीं उड़ा रहा है, लेकिन जैसे ही मुझे पता लगा कि एक पतंग उड़ रही है भाई, मैंने तुरंत नहीं सोचा होकाई निकालने के लिए, और भाई आज इसका टेस्टिंग करेंगे अपन, ठीक है ना। और आगे की तरफ भी छोटी छोटी पतंग दिख रही है, लेकिन पहले हम इसका टेस्टिंग करेंगे और मेरी पतंग बच चुकी है। चलिए भाई, तो दोस्तों सामने की तरफ ये रेड सर्कल में मेरी पतंग है, तो भाई हम पहले पैच के लिए तैयार है, देखते हैं दोस्तों अपोनेंट कौन सी पतंग लेके आता है। ये रेड सर्कल वाली पतंग ऊपर की तरफ मेरी, ओ ये आ गया भाई लेफ्ट साइड से अपोनेंट, बिल्कुल सेम टू सेम मेरी डे टू डे सी पतंग ले रहा है भाई ये भी। मैं इसकी तरफ नीचे की तरफ जाता हुआ तेजी से, ये देखिए, लेकिन मैं पहला पैच सोच रहा हूँ दोस्तों ढील का ही बनाऊँ, देखते हैं दोस्तों कैसा बनता है कैसे नहीं बनता और किसकी कटती है। भाई ये आया अपोनेंट, ऊपर रखा और चलाया अपोनेंट ने, जैसे ही बाहर की तरफ खींची लेकिन वैसे ही मैंने चक्कर देने स्टार्ट कर दिए, और भाई अपोनेंट का पैच ऊपर से है मेरा पैच नीचे से, अपोनेंट चक्कर पे चक्कर दे रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, और मेरी पतंग घूम भी नहीं रही है दोस्तों। ये देखिए मांझे की ताकत का पता, और अपोनेंट ने बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करी भाई, लेकिन ये क्या है, दोनों की ढील चल रही है बराबर कंटिन्यूअसली। ये देखिए दोस्तों मेरी पतंग ऊपर की तरफ जा रही है बिल्कुल सीधी खड़ी खड़ी एकदम, और ये अपोनेंट थपकियों का यूज कर रहा है भाई, और भाई वो मारा पहला ही पैच, वो मारा दोस्तों पहला पैच तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से काटा इसने ढील में। अभी खींच में भी ट्राई करते हैं खींच में कैसे करेगा ये, ठीक है ना। तो भाई हमारी रेड सर्कल वाली पतंग आपको सामने दिख रही होगी और ब्लू सर्कल में अपोनेंट की पतंग है, तो भाई मैं जाऊंगा नीचे से और अपोनेंट ये ऊपर से है, ये भी थोड़ी बहुत कलाबाजी कर रहा है, लेकिन भाई आपको ध्यान रखना अगर आप नीचे से जा रहे हो तो उसके लेफ्ट साइड की तरफ खींचना है आपको, अगर वो राइट साइड से है तो, ठीक है ना। ये गया मैं उसके नीचे से जंगा बनाई दोस्तों और बाहर की तरफ खींचा तेजी से, मखा बांट दिया के पूरा का पूरा, मखा काट दी के वो मरा। तो दो पतंग काट चुका हूँ होकाई से, ये रेड सर्कल वाली पतंग मेरी है, ब्लू सर्कल में अपोनेंट की है। अपोनेंट के बिल्कुल नीचे जा रहा हूँ मैं खींच मारने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अपोनेंट को पता है मैंने खींच मारा है, लेकिन जैसे ही मुझे जंगा दी उसने ऊपर आया और मैंने भाई बाहर की तरफ खींच दिया तेजी से, एक और बॉम मारा, लगा तू ही सांप साड़ेगी, लगा तू ही सांप, मखा पाट दिया के, मखा काट दी के, बॉम मारा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। दोस्तों ये ब्लू सर्कल में अपोनेंट की पतंग है लेफ्ट साइड से, और मेरी पतंग ये है रेड सर्कल में ऊपर से पैंच बन गया दोस्तों हमारा, वो भी डील का,
फंसा करके पैंच लड़ा दिया दोस्तों। ऊपर से मेरा पैंच है बहुत बढ़िया चक्कर लग रहा है अपोनेंट का। ये देखिए दोस्तों, अपोनेंट को बिल्कुल भी घुमाने का मौका नहीं दे रहा मैं, ठीक है। बाहर की तरफ हल्की सी खींची है लेकिन पतंग उठाने के लिए, अगर आपकी पतंग नीचे जा रही है तो हल्की सी उठ उठा लीजिए। क्रॉस फिट पैच हो चुका है दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपना राइट साइड में, वो चला गया लेफ्ट साइड में। अब उसको उठाने का मौका नहीं मिला दोस्तों, और जैसे उसने उठाया वो हमारा भाई साहब फंसा कर भी बहुत अच्छा लग रहा है मजा। ये तो अगला पैच आता हुआ, यार ये रेड सर्कल वाली पतंग मेरी है, ब्लू सर्कल में अपोनेंट के ऊपर से आया अपोनेंट और ये ऊपर से पैच बनाना चाह रहा है शायद। हाँ जी, ये ऊपर से पैच बना दिया है इसने। आपने दोस्तों इसकी एक बात देखी, ये क्या कर रहा है, इसकी जैसे ही पतंग कटी जा रही है ये वापस से मुझसे लड़ाने के लिए आ रहा है, ठीक है ना भाई मजा आ गया। इसकी काबिलियत को सलाम है भाई, इसके हौसले को सलाम है दोस्तों। मेरी पतंग ऊपर की तरफ है, इसकी पतंग नीचे की तरफ है और मारा, बातों बातों में खेल खत्म। दोस्तों फिर से लिया है भाई वो अपनी कटवा करके दोबारा से उड़ाई है। ये रेड सर्कल वाली पतंग मेरी है, ब्लू सर्कल में अपोनेंट की है। इस बार मुझे लग रहा है दोस्तों वो नीचे से आना चाह रहा है, कहीं से भी आओ भाई होका ले रहे अपन होका है। एक मिनट में पाटेंगे, एक मिनट में वो हमारा कर देंगे। और भाई ये गया, मैं ऊपर से पैच बनाया। हाँ जी ऊपर से पैच बन गया दोस्तों, और उसने बाहर की तरफ खींची। नहीं 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 नहीं, ऊपर का पैच बन गया दोस्तों। वो डील ही दे रहा है, डील ही दे रहा है बेटा, दे डील। या थपकियों का भी यूज़ कर रहा है दोस्तों, शायद थपकियों का यूज़ कर रहा है काटने के लिए। भाई तू थपकी का यूज़ कर, चाहे काय का भी यूज़ कर, वहीं काट तुम्हारे जाकर जान लू मैं, जहाँ भी चला जाएगा। मेरे तो गला ही पट गया यार, इतना एक्साइटेड मांझा भाई, मांझे ने कमाल कर दिया दोस्तों वाकई में यार। और भाई ये पैच काफ़ी दूर चला गया हमारा, और इसने भी अभी तक ढील दे रखी है भाई। वाह मारा, ओ मारा, मगा काट दी के घर में घुस का मारा के। अब दोस्तों इसको थोड़ा उसको उलझाने की कोशिश करते दोस्तों पतंग को, ये शायद उलझ जाए। हाँ भाई आ तो गई है, नहीं आई यार, चली गई। ओ मारा, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ओ मारा लगा पैसा, एक बार दिला दे। तो दोस्तों ये था होकायक मांझे का रिजल्ट जो भी अभी आपने देखा सामने। दोस्तों अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा शौक हो गया, बहुत ही ज़्यादा शौक। मतलब जो लोगों के फीडबैक देखे, मुझे यकीन तो हो रहा था हाँ भाई मांझा ज़बरदस्त होगा, लेकिन जब तक मैं टेस्टिंग ना कर लूँ तब तक मुझे यकीन नहीं होता भाई, सीधी बात ये है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, लेकिन अभी आपने टेस्टिंग देख ली, कांड फाड़ है भाई। ओ गॉड, एक बार दिला दे। कसम से ढील में भी, खींच में भी, और हवा तो आज इतनी तेज है दोस्तों, 14 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से हवा है। अपोनेंट को रुकने नहीं दे रहा जरा सी भी देर को। मजा आ गया भाई, बनाने वाले ने भाई इतना जबरदस्त काम किया इस पे, बहुत ही खतरनाक काम किया भाई। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं दोस्तों, मैंने डरपेंजर भी यूज़ किया, होकाई भी यूज़ किया दोस्तों। होकाए का जो फीडबैक मैं आपको बताऊं, डरपेंजर मांझे से मुझे ज़्यादा अच्छा लगा ये परफॉर्मेंस वाइज, ठीक है ना। रीज़न है दोस्तों, इस पे मेरी डिमांड के ऊपर काम हुआ एक तो, ठीक है। अब आपसे मैं एक बात कहता स्टार्टिंग में कि मैं इस वीडियो बनाने में इतने पापड़ क्यों बेलने पड़े, कह रहा था नहीं कह रहा था, सुनो। डेली जाता था सुबह के टाइम में 4 से 5 दिन ऊपर छत पे, भाई कोई पतंग उड़ा रहा है कोई नहीं उड़ा रहा है, बस यही कोशिश करता था कि बस एक पतंग उड़ जाओ। आज वो मनोकामना पूरी हो गई, एक पतंग उड़ी, तभी सोचा भाई होका ही टेस्ट करना है। और भाई जबरदस्त है, जबरदस्त पार्ट कर दिया, बम मारा खतरनाक यार। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना, ठीक है। मैं मिलता हूँ जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।